केंद्र ने हज यात्रा के लिए दी जाने वाली सब्सिडी खत्म की। मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा पर खर्च होगी सब्सिडी की राशि। मुख्यमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में प्रवासी भारतीयों और उद्योगपतियों से की मुलाकात। निवेश की संभावनाओं पर हुई चर्चा। दुर्ग नगर निगम ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत शुरू की मोबाइल वैन टॉयलेट सुविधा। और थल सेना दिवस के मौके पर डोंगरगढ़ में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। परिजनों को किया गया सम्मानित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने हज यात्रा के लिए दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी है। सरकार हर साल हज यात्रा पर सब्सिडी के रूप में करीब 700 करोड़ रुपए खर्च करती है। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज नई दिल्ली में बताया कि सरकार इस सब्सिडी का पैसा मुस्लिम समाज की महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा पर खर्च करेगी। हज यात्री 1,75,000 हज यात्री हज करने के लिए जाएंगे। जो हज सब्सिडी थी, उस हज सब्सिडी का जो समाज के शैक्षणिक सशक्तिकरण में इस्तेमाल होगा, खासतौर से लड़कियों बच्चियों के, लड़कों महिलाओं के शैक्षणिक एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि जो है वो जो शिक्षा के क्षेत्र में एक पिछड़ा हुआ है समाज, उस शिक्षा के क्षेत्र में उसको बराबरी का एहसास कराया जा सके, उसका सशक्तिकरण कराया जा सके, और इसलिए जो है वो हज सब्सिडी खत्म कर दी गई है। गौरतलब है कि हर साल लाखों लोग हज यात्रा पर जाते हैं। इस साल भी करीब 2,00,000 लोगों के हज पर जाने का अनुमान था, लेकिन अब सरकार के इस फैसले के बाद ये सभी यात्री बिना सब्सिडी के ही यात्रा करेंगे। 10 दिवसीय विदेश दौरे पर गए मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में प्रवासी भारतीयों और उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने साथ मिलकर इंडो ऑस्ट्रेलिया संबंधों की नई इबारत लिखी है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सद्भावना दूत बताया। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में देश में विकास और सुधारों का एक नया अध्याय शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहरों और संसाधनों की जानकारी दी। उन्होंने अलग अलग सेक्टरों में छत्तीसगढ़ में निवेश की परिस्थितियों, नीतियों और संभावनाओं के बारे में विस्तार से बताया। डॉ सिंह ने उम्मीद जताई कि छत्तीसगढ़ के बहुआयामी विकास और नवनिर्माण के क्षेत्र में उन्हें ऑस्ट्रेलिया का सहयोग मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने विक्टोरिया राज्य के विधान परिषद अध्यक्ष ब्रूस एटकिंसन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें छत्तीसगढ़ में हो रहे विकास और उपलब्धियों के बारे में बताया। साथ ही कहा कि वे विक्टोरिया और छत्तीसगढ़ के बीच अनुभवों की साझेदारी को लेकर उत्सुक हैं। मुख्यमंत्री ने श्री एटकिंसन को बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 92 वर्ग मील क्षेत्र में भारत की पहली हरित स्मार्ट सिटी नया रायपुर विकसित किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत भविष्य में दुनिया का सिरमौर बनेगा। भारत की पहचान और ताकत दुनिया में अलग है। कल रायपुर में स्वयंसेवकों और समाज प्रमुखों की बौद्धिक सभा में सत्ता, धर्म और व्यापार विषय पर बोलते हुए श्री भागवत ने एकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश को राजनीतिक स्वार्थ के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, विभक्त करने से देश नहीं चलता। उन्होंने कहा कि भारत को जोड़ने वाली देश की संस्कृति और पूर्वज हैं। सबके पूर्वज एक थे, ये भी विज्ञान कहता है 40,000 वर्ष पूर्व से। अफगानिस्तान से बर्मा तक और तिब्बत की चीन की तरफ धरा से श्रीलंका के दक्षिण तक जितना जनसमूह रहता है, उतने जनसमूह का डीएनए ये बता रहा है कि उनके पूर्वज समान है। ये हमको जोड़ने वाली बात है। आज हम एक दूसरे को भूल गए, रिश्ते नाते
हम बने, आज दुनिया में विश्व बंधुत्व की बात करने वाला और जैसी बात करते हैं वैसा करने वाला कोई भी दूसरा देश नहीं है, एकमात्र देश भारत है। श्री भागवत ने कहा कि शाखाओं में आने वाले सभी लोग समाज हित में जुट जाएं, लोगों के अभाव की पूर्ति करें और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भी इसमें दें। ऐसा करने से आने वाले कुछ सालों में भारत वैभव संपन्न होकर विश्व में शासनकर्ता नजर आएगा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। अब देखिए 3 मिनट 10 खबरें। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के निकट भारतीय सेना ने कल पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए एक अधिकारी समेत 7 सैनिकों को मार गिराया। इस घटना में 4 अन्य घायल हुए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश कर रहे जैश ए मोहम्मद के 6 आतंकियों को भी मार गिराया। मुख्य सचिव अजय सिंह ने कल मंत्रालय में ऊर्जा विभाग के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में विशेष सचिव सिद्धार्थ कुमल सिंह परदेसी ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत अब तक 2000 से अधिक गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता अभियान के तहत बिलासपुर के जरहाभाटा, सरकंडा और गोंडपारा के स्वसहायता समूहों की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। कल चांपा की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं 19 और 20 जनवरी को जशपुर तथा 24 और 25 जनवरी को मुंगेली में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। वाणिज्य कर मंत्री अमर अग्रवाल ने रायपुर में पंजीयन और मुद्रांक विभाग के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में कर संग्रहण का लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। इस वर्ष पंजीयन शुल्क के तौर पर 1,550 करोड़ रुपए राजस्व संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। लोक सुराज अभियान के तहत जांजगीर चांपा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। अधिकारियों को 11 मार्च तक आवेदनों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान के तीसरे चरण में 12 से 31 मार्च तक समाधान शिविरों में इन आवेदनों के निराकरण की जानकारी दी जाएगी। दुर्ग भिलाई के शहरी क्षेत्र में लगातार हो रही वाहन और मोबाइल की चोरी के मामले में दुर्ग पुलिस ने 2 गिरोह के 6 नाबालिग सदस्य सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 कार, 12 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल बरामद किए गए हैं। आरोपियों ने वाहन और मोबाइल चोरी के 17 मामलों का खुलासा किया है। बेमेतरा कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने कल जिले के धान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने टक्सीवा के धान खरीदी केंद्र में धान के बोरे की सिलाई हाथ से किए जाने पर नोडल अधिकारी और समिति प्रबंधक को फटकार लगाई। कलेक्टर ने बोरे की सिलाई मशीन से किए जाने के निर्देश दिए। जांजगीर चांपा जिले के डभरा थाना क्षेत्र के चूरा घाटा गांव में एक युवक की संदिग्ध मौत के मामले को लेकर लोगों ने कल रात थाने का घेराव किया। लोगों ने युवक की हत्या किए जाने की आशंका जताते हुए 10 दिनों के भीतर कार्रवाई करने की मांग की। इस युवक की मौत बीते 20 दिसंबर को हुई थी। जन अधिकार पदयात्रा के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कल रायपुर में लोगों को प्रदूषण से सतर्क किया। उन्होंने लोगों को प्रदूषण से बचने के उपाय बताए और मास्क भी वितरित किया। पार्टी के शहर अध्यक्ष विकास उपाध्याय ने कार्यकर्ताओं के साथ शास्त्री चौक पर योग किया और लोगों को प्रदूषण के खतरे से सावधान रहने की अपील की। कोरिया में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में खेली जा रही इस स्पर्धा में जिले भर की कबड्डी टीमें भाग ले रही हैं। स्पर्धा का विधिवत शुभारंभ करते हुए पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। आइए अब बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर। स्वच्छता के लिए कई राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके दुर्ग नगर निगम ने स्वच्छता के क्षेत्र में एक और अभिनव पहल करते हुए अब कबाड़ से मोबाइल वैन टॉयलेट का निर्माण किया है। इसका उपयोग अब उन जगहों पर किया जा रहा है जहां टॉयलेट की सुविधा नहीं है। लंबे समय से खराब पड़ी वैन को टॉयलेट का रूप दिया गया है। इसे काफी सूझबूझ के साथ आकर्षक रूप दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधाएं मिल सके। इस मोबाइल वैन शौचालय का उपयोग दुर्ग कलेक्टर ऑफिस, जिला न्यायालय और शहर के व्यस्ततम जगहों पर किया जा रहा है। ये सुविधा शुरू हो जाने से न्यायालय में आने वाले पक्षकारों को टॉयलेट की तलाश में इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। वैन जो चलित वाला है पहली बार देखने को मिला, जो हमारे न्यायालय परिसर और कोर्ट परिसर में आया है। इससे जो गाँव और जो शहरों से दूर दूर से जो लोग आते हैं पक्षकार लोग, जिनको शौच की और बाथरूम की सुविधा नहीं होती है, उनको यहाँ जाने में सुविधा होगी। और सबसे बड़ी बात है, ये कबाड़ से बनाया गया मोबाइल वैन है जो बहुत ही स्वच्छ और बहुत आसान है। इस तरीके की सुविधा अगर
और भी देती रही सरकार जिस तरीके से चला रही है, तो स्वच्छता अभियान में बहुत आगे जाएगी। ये मोबाइल वैन की सुविधा जो है, स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाएं आती हैं और जिनको अंदाज़ा नहीं होता है कि कहाँ टॉयलेट जाना है, इधर उधर बाहर गंदगी फैलने से अच्छा है कि न्यायालय परिसर में इस वैन के होने से वो लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। इसकी विशेषता ये है कि इंडियन और वेस्टर्न दोनों तरह के कमोड्स हैं इसमें, जिससे सुविधा और बढ़ जाती है। मोबाइल वैन शौचालय की सुविधा शुरू करने वाला दुर्ग नगर निगम छत्तीसगढ़ का पहला नगर निगम है। इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे कहीं भी गंदगी न फैले। नगर निगम आयुक्त एसके सुंदरानी ने बताया कि मोबाइल वैन टॉयलेट सुविधा निश्चय ही स्वच्छ भारत अभियान में काफी मददगार साबित होगी। तो इसी के तहत हमें वार्डों में टॉयलेट्स की जरूरत है। जहां कार्यक्रम होता है, शादी ब्याह होते हैं, तो वहां भी मोबाइल टॉयलेट चाहिए होता है। तो हमारे कुछ इंजीनियर्स हैं और कुछ मिस्त्री हैं, उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग करके, कला का उपयोग करके इससे बनाया है। और इसका उपयोग शादी ब्याह, छोटे छोटे कार्यक्रम जहाँ पे लोगों को खुले में शौच जाना पड़ता है, उसको रोकने के लिए वहाँ ले जाके खड़ा कर देते हैं, उसका यूज करते हैं। फिलहाल लोगों के लिए ये मोबाइल वैन टॉयलेट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। थल सेना दिवस के मौके पर कल राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में देश की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले जिले के वीर जवानों शहीद संजय कुमार वर्मा, ओंकार सिन्हा, अश्विनी राजपूत, हेमंत कुमार वर्मा और शहीद सालिकराम वर्मा को विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही शहीदों के परिजनों को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। क्षत्रिय समाज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।